रविवार को राजेंद्र पार्क दुर्ग में नगर निगम द्वारा चौथे वर्ष आयोजित फ्लावर शो का लुफ्त दुर्ग शहर सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने उठाया। फ्लावर शो आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के मॉडल भी आकर्षण का केंद्र रहे। फ्लावर शो में बतौर अतिथि पहुंची एल्डरमैन रत्ना नारायण देव ने राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों व दुर्ग निगम द्वारा आयोजित फ्लावर शो की सफलता को लेकर एनएसएन न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन। आज फ्लावर शो के पक्ष में विशेष का मजाक बात करेंगे हम रत्ना मैडम से, जो कि एल्डर में नगर निगम जो है। किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है बताइए मैम, किस प्रकार से अनुभव है? चौथा वर्ष है हमारा फ्लावर शो का नगर निगम के माध्यम से, और लोग बड़े उत्साह से यहाँ पर आते हैं। दो साल कोरोना होने के बावजूद भी लोगों में एक उत्साह था, और हर तरह के फूल यहाँ पर लाए जाते हैं, और लोगों को जागरूकता के हिसाब से पर्यावरण के लिए भी उनको जागरूक किया जाता है कि आप लोगों घरों में घर में कौन से पेड़ लगाना है, बाहर कौन से लगाना है, ऐसी बहुत सारी चीजों का इस बार यहाँ पर एग्जीबिशन रखा गया है। यहाँ पर मेहंदी का रूप एक बनाया गया, मेहंदी को उसमें बताया जा रहा है किस तरह आप सरकार में मेहंदी का यूज कर सकते हैं। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से हमारी जो संस्कृति हमारी धरोहर है उसको हमें कैसे जीवित रखना है, उसको जीवित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया कि अपने जो संस्कार है उन संस्कारों के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे काम में आएगी। यदि हम बाहर की दुनिया में जाते हैं वो हमारे काम में नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान है पूरे देश में, पूरे विश्व में। हम चाहते हैं कि फ्लावर शो के माध्यम से जो फूलों का एक रंग है, फूलों के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से लोग यहाँ बड़े खुशी से आते हैं, और यहाँ पे कई तरह के ऐसे व्यंजन है जो छत्तीसगढ़ के व्यंजन है उनको रखा गया स्व सहायता समूह महिलाओं के माध्यम से। महिलाएं बड़े उत्साहित है क्योंकि वो स्वयं अपने हाथों से बनाती हैं और लोगों को खिला भी रही है और आनंद भी ले रहे हैं लोग, क्योंकि घर पे बना हुआ जो पकवान होता है बिरले ही लोगों को मिलता है, क्योंकि आजकल लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। परंतु जब हम तरह का एग्जीबिशन लगाते हैं तो लोगों को जानकारी होती है कि घर में और कैसे कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के व्यंजन है उनको कैसे बनाना चाहिए, पौष्टिक आहार के माध्यम से बच्चों के लिए क्या फायदा होना है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हम जहाँ पर हैं उस संस्कृति को अपनाएं, क्योंकि आज बच्चों में यदि हमारी जड़ कमजोर रहेगी तो हम ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों की जड़ों को मजबूत रखना है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, जो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी गौठान के माध्यम से ऐसी कई योजनाएं जो निकाली है, उन योजनाओं की जो हमारी जो वाहवाही बाहर तक हो रही है, एक माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री बिरले होते हैं कि जो देश को जोड़ के रखते हैं, और लोगों ने उनसे जानकारी रखी है कि गोबर बैंक कभी कोई नहीं करता था, आज गोबर बैंक से लोग अपने ऑफिस में रंग रोगन कर रहे हैं।